नमस्कार, कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं श्यामवीर सिंह स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल के मैच की समीक्षा और आज के मैच में क्या कुछ होगा, कौन जीत सकता है, पूरी जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूं। तो कल का मैच खेला गया था शारजाह में बेंगलोर और पंजाब के बीच में। तो पंजाब की टीम अभी तक अंतिम ओवरों में लड़खड़ा जाती थी, शुरुआत अच्छी होने के बावजूद भी मैच नहीं जीत पा रही थी। और कल क्रिस गेल की एंट्री हुई पंजाब की टीम में, तो कल से पंजाब की विजयी शुरुआत हो गई है। कल 8 विकेट से बेंगलोर को हराया था। तो कल बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और अगर बेंगलोर 200 रन कर लेती तो पंजाब पर कुछ दबाव पड़ता, क्योंकि छोटा मैदान और गेल का आना, ये दोनों ही जो है बेंगलोर के लिए कल नेगेटिव चीजें साबित हुई हैं। तो कल बेंगलोर ने शुरुआत अच्छी होने के बावजूद भी 200 रन तक नहीं पहुंच पाई। तो बेंगलोर की तरफ से 38 रन पर पहला विकेट गिरा था, शुरुआत की थी एरॉन फिंच और देवदत्त पाडिकर ने। और फिर पाडिकर के आउट होने के बाद विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे, 48 रन बनाए 39 गेंदों में, 3 चौके और 1 छक्का लगा। शुभम दुबे 23 रन 19 गेंदों में, 2 छक्के लगाए थे। क्रिस मॉरिस 25 रन 8 गेंदों में मात्र, 3 छक्के शानदार और 1 चौका लगाया था। तो इस तरह से 171 6 विकेट पर बेंगलोर ने बनाए थे। रन स्कोर बहुत कम था इस मैदान के लिए और वैसे तो अगर क्रिस गेल नहीं होते तो शायद कोशिश भी करता बेंगलोर, लेकिन क्रिस गेल ने आते ही धुआंधार पारी 53 रन की खेल करके और बेंगलोर को एकदम से बैकफुट पर डाल दिया। और कल पंजाब की जो जीत है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा श्रेय क्रिस गेल को ही दिया जाएगा। अभी तक जो पंजाब की टीम अच्छी शुरुआत करने के बावजूद मैच हार रही थी, उसका कारण यह था कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद कोई भी खिलाड़ी जमकर खेल नहीं पा रहा था। निकोलस पूरन ने 2-3 इनिंग अच्छी खेली लेकिन जिताऊ पारी वो नहीं खेल पाए थे। तो कल केएल राहुल अंतिम ओवर तक खेलते रहे और नॉट आउट रहे, मयंक अग्रवाल आउट हो गए थे, क्रिस गेल रन आउट हुए थे। इस छोटे मैदान पर क्रिस गेल को आउट करना बहुत ही मुश्किल था। तो एक बार तो सांसें थम गई थी कि जब अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस गेल रन आउट हो गए तो 1 रन बनाना था तो क्या होगा ये लगने लगा था, लेकिन निकोलस पूरन ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना नाम उन खिलाड़ियों में शामिल कर लिया जो कि अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मैच जिताने वालों में है। तो क्रिस इसके पहले भी कई खिलाड़ी जो है कि अंतिम गेंद पर छक्का लगा करके मैच जिता चुके हैं और उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा 3 बार रोहित शर्मा ने यह कारनामा किया है, अंबाती रायडू 1 बार, सौरभ तिवारी ने अंतिम बॉल पर छक्का लगाकर मैच को जिताया, ड्रेन ब्रोबी भी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, मिचेल सेंटनर और अब एक नाम और शामिल हो गया है निकोलस पूरन का, जिन्होंने अंतिम गेंद पर छक्का लगा करके मैच को जिताया हो। तो निकोलस पूरन वैसे ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और चौके छक्के तो वो किसी भी गेंद पर मारने का मादा रखते हैं। तो कल जो सारा रोमांच था क्रिस गेल के इर्द गिर्द ही था। क्रिस गेल के आने से एक तो IPL में नया रोमांच पैदा हो गया और कई सारे दर्शक करोड़ों की संख्या में सिर्फ क्रिस गेल की पारी को देखने के लिए ही मैदान पर जाते थे, लेकिन अभी मैदान पर नहीं जा सकते। तो TV के आगे क्रिस गेल के आने से IPL का रोमांच बढ़ेगा और दर्शक भी बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। तो कल बहुत ही आनंद आया। अगर हम बात करें पंजाब की तरफ से तो KL राहुल ने 61 रन नॉट आउट 49 गेंदों में, 1 चौका और शानदार 5 छक्के लगाए। मयंक अग्रवाल 45 रन 25 गेंदों में, 4 चौके और 3 छक्के। निकोलस पूरन ने एक ही गेंद खेली थी और अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मैच को जिताया था। क्रिस गेल की शानदार पारी रही रन आउट होने से पूर्व, 53 रन 45 गेंदों में, 1 चौका और 5 शानदार छक्के। तो क्रिस गेल की पारी से एक नई जान IPL में आई, पंजाब की टीम में नई जान आ गई और इस तरह से देखने का भी आनंद आने लगा है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पंजाब की तरफ से अश्विन है, उन्होंने 4 ओवर डाले, 23 रन देकर 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए 45 रन देकर, हालांकि महंगे साबित हुए लेकिन 2 विकेट जरूर मिले। बेंगलोर की तरफ से नवदीप सैनी 4 ओवर 21 रन और चहल ने 3 ओवरों में 35 रन देकर के 1 विकेट लिया। तो इस तरह से 171 रन का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने 177 रन बनाकर मैच को 8 विकेट से जीत लिया। तो अब और भी पंजाब की टीम मैच खेलेगी, अब इंतजार रहेगा पंजाब का मैच कब है, क्योंकि गेल की पारी अब देखने लायक होगी। देखना ये होगा कि जब बड़े मैदान पर जाएंगे, बड़े बड़े छक्के मारते हैं क्रिस गेल, जैसे कि दुबई का मैदान है, अबू धाबी का, तब और भी आनंद आएगा। तो और आइए अब चलते हैं, हम आज के मैच की बात करते हैं। आज का मैच अबू धाबी में है, मुंबई और कलकत्ता के बीच में। तो आज मुंबई या तो दिल्ली की बराबरी कर लेगा मैच जीत करके 12 अंक, या कोलकाता
ऊपर जाएगा, मुंबई की बराबरी कर लेगा 10 अंक, अभी तक 8 अंक है, तो हो सकता है कि कोलकाता के भी 10 अंक होकर के मुंबई की बराबरी कर ले। तो आज अबू धाबी मैच खेला जाएगा और आज मुंबई की तरफ से कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो क्वांटम डी के को आज खेलेंगे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कैरोन पोलार्ड, हार्दिक पंड्या, कुणाल पंड्या, जसप्रीत बुमराह, ये मुख्य खिलाड़ी हैं, ये तो खेलेंगे ही। और कोलकाता की तरफ से हम शुभम गिल की, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, यान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल, पॉल कमिंस, कुलदीप यादव, तो ये कलकत्ते की तरफ से मुख्य खिलाड़ी हैं, वो खेलेंगे। तो अगर हम कागजों में बात करें तो मुंबई की टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है, लेकिन कलकत्ता की टीम ऐसा नहीं कि मुंबई को हरा नहीं सकती हो, हरा सकती है। तो अगर हम बात करें कि आज का मैच कौन जीत सकता है, तो जिस तरह से रोहित शर्मा की जो फॉर्म है, कैरोन पोलार्ड, हार्दिक पंड्या और बुमराह, तो ऐसा लग रहा है कि आज मुंबई की टीम ये मैच जीत करके आज दिल्ली का बराबरी करके 12 अंक हासिल कर लेगी और कोलकाता शायद आज का मैच नहीं जीत पाए, मुश्किल लग रहा है मेरे को कि जो टीम है वो मुंबई के मुकाबले कहीं ठहरती नहीं। हालांकि कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, दिनेश कार्तिक फॉर्म में हैं, तो कोलकाता की तरफ से दिनेश कार्तिक के ऊपर सारी बाजी है, वो चलते हैं तभी मैच जीत रही है। और हम बात करें अगर इस मैदान पर रन, तो इस पर 70-75 रन बनाने ही होंगे जो भी टीम, इसमें टॉस का फायदा आज मिल सकता है, जो भी टीम अगर मैच टॉस जीतती है तो उसको पहले बैटिंग करके 170 रन कम से कम करने होंगे, तभी विपक्षी टीम पर दबाव डाला जा सकता है। तो अगर हम बात करें अब तक जो आईपीएल में मैच खेले गए उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए केएल राहुल ने, 448 रन अभी तक बना चुके हैं और सबसे ऊपर बने हुए मयंक अग्रवाल दूसरे नंबर पर, इनके ही टीम के ओपनर, इनके जोड़ीदार है 382 रन। तो इस तरह से अभी आईपीएल के मैचों में सबसे ज्यादा केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पंजाब के ओपनर सबसे ऊपर बने हुए। और अगर हम विकेटों की बात करें तो कैसीगो रबाडा 18 विकेट लेकर सबसे ऊपर है, जोफ्रा आर्चर 13 और मोहम्मद शामी 12 और बुमराह 11। तो इस तरह से ये स्थिति, अगर हम टीमों की बात करें कौन सी टीम कहां पर है, दिल्ली सबसे ऊपर 12 अंक लेकर बनी हुई है, मुंबई की टीम के 10 अंक दूसरे नंबर पर है, और हम बात करें कोलकाता की तो कोलकाता की चौथे नंबर पर है टीम और बेंगलोर की तीसरे नंबर पर 10 अंकों के साथ में, और हैदराबाद 6 अंक और चेन्नई 6 अंक और राजस्थान के 6 अंक, पंजाब सबसे नीचे है 4 अंकों के साथ में। तो अभी कई फेरबदल होंगे, उठापटक, नीचे की टीम ऊपर, ऊपर की टीम, पंजाब की अगर एक मैच और जीत लेती है तो वो भी चेन्नई और राजस्थान के और हैदराबाद के बराबर 6 अंक लेकर के ऊपर आ सकती है। तो देखते रहिएगा, क्रिस गेल आ गए हैं और अभी मैच में बहुत जान आ गई है आईपीएल में, तो बहुत ही रोमांचकारी मैच देखने को आने वाले समय में मिलेंगे आपको। और कल मैं एक बार फिर आऊँगा आज के मैच की समीक्षा और कल के मैच का पूर्वानुमान लेकर, एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आज का मैच मुझे लग रहा है कि मुंबई जीत सकती है। और अब मुझे कल तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।